एंटी करप्शन पंजाब ने लाहौर में एक बड़ी कार्रवाई में महकमा आबपाशी के एक्सीएन समेत 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। महकमा आबपाशी के एक एक्सीएन, 3 SDO और 2 सब इंजीनियर्स पर मुकदमा नंबर 11/20 दर्ज था। गिरफ्तार होने वालों में एक्सीएन इम्तियाज़ अकबर भट्टी, SDOs मोहम्मद असलम, फरहत अली शामिल हैं। 2 सब इंजीनियर्स हशमत नबी और मोहम्मद शाहिद को भी अबूरी जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार किया गया। SDO मुजफ्फर अली की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस का कहना है कि मुलजमान ने महकमा आबपाशी की मशीनरी ब्रांच में 2,26,00,000 का जाली डीजल खरीदा। मुलजमान को आज लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार किया गया। डायरेक्टर विजिलेंस एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स अब्दुल सलाम आरिफ केस में आला अदालत खुद पेश हुए। मामले की तहकीकात के लिए डायरेक्टर विजिलेंस की निगरानी में असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुजीबुर रहमान और मुजम्मिल इमाम पर मुश्तमिल JIT इस केस पर काम कर रही थी। मुलजमान से सरकारी खजाने की 1-1 रुपया वसूल किया जाएगा। पंजाब भर में करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं।